नमस्कार, वंदे मातरम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। आज के वंदे मातरम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जगे मुस्लिम प्रेम की। जी हां, शबे बारात के मौके पर मोदी ने मुस्लिम नेताओं से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि करीब सवा घंटे तक चाय पर चर्चा भी हुई। चर्चा के दौरान सरकार की योजनाओं और विकास में मुसलमानों की भागीदारी सहित कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। वंदे मातरम में आज हम इस मुलाकात के राजनीतिक मायने और मोदी के बदलते नजरिए पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में मुसलमानों के अच्छे दिन आ गए। चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नेता कांग्रेस ज्योति सिंह जी और इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विमला बाथम जी और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी। इसके अलावा हमारे साथ मौलाना इंडिया गेट मस्जिद असद खान जी हैं और मौलाना अली हुसैन कोमी भी है लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साझा न्यूज में। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मुस्लिम धर्म गुरुओं से मोदी की चाय पर चर्चा, शबे बरात के मौके पर की मुलाकात, मुसलमानों को मोदी ने दिलाया भरोसा, कहा आधी रात को भी खुले हैं दरवाजे। क्या हो रहा है सबका साथ सबका विकास, क्या आ गए मुसलमानों के अच्छे दिन। वही शबे बारात के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने सांप्रदायिक नहीं बल्कि विकास की राजनीति पर बातचीत की है, मुसलमानों को विश्वास भी दिलाया है और कोशिश की है कि मोदी मुसलमानों के लिए आधी रात को भी हाजिर हैं। ये कोशिशें हैं मोदी द्वारा मुस्लिमों के दिल में उतरने की, उनके भरोसे को दोबारा हासिल करने की। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े 30 उलेमाओं से बातचीत की। करीबन सवा घंटे तक चली इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के विकास की बात की। जी हाँ, किसी वक्त में मुस्लिम धर्म गुरु के हाथ से टोपी पहनने से इनकार करने वाले मोदी आज मुस्लिमों के लिए आधी रात को भी हाजिर होने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस मुलाकात में जो बातें हुई हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं और बहुत कामयाब, इसलिए मैं इसे मान सकता हूँ क्योंकि सारे समूह इसमें मौजूद थे और प्रधानमंत्री का जो इंट्रैक्शन उलमा के साथ रहा तो मुझे लगता है उलमा कुछ ज्यादा उन्हें समझे होंगे, जाने होंगे। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री अगर देश में जलते हुए चिराग से रोशन होता हो और बुझते हुए दिए से परेशान, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मनसब अदा करने का और मनसब के फर्ज को अदा करने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। देर तक चली इस मुलाकात में मोदी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को विश्वास दिलाया कि वे सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने वाली राजनीति में विश्वास नहीं करते और रोजगार और विकास सभी समस्याओं का हल है। मोदी ने प्रतिनिधि मंडल की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से अपनी बातें रखी। पीएम ने कहा कि वे किसी धर्म विशेष का नहीं बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। एक साल के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आज ऑफिशियली मुस्लिम लीडरांस को बुलाकर आपने एक अपनी एक घंटे की एक मीटिंग के अंदर अपनी सारी बातें रखी हैं, हमने भी अपनी सारी बातें रखी हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आज शबे बारात पर उन्होंने मुबारकबाद दी है पूरे भारत के मुसलमानों को और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि 125 करोड़ का ये देश है उसका मुसलमान भी हिस्सा है। चाहे मुस्लिम धर्म गुरु से टोपी ना पहनने का मामला हो या फिर बीजेपी सांसदों के विवादित बयान, मोदी सरकार अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को लेकर शुरू से ही विपक्ष के निशाने पर रही है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मोदी द्वारा मुसलमानों के हित और विकास की बात आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो मुलाकात हो चुकी है लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने कॉलर्स को भी बता दें कि आप भी हमें
इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन नंबर्स लगातार हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ मोदी ने मुलाकात कर ली है धर्मगुरुओं के साथ में, 30 धर्मगुरुओं का एक दल ने मोदी से मुलाकात की है और उसे मोदी ने भरोसा दिलाया है कि वो बांटने की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा होगा असद खान जी से। असद खान जी, यहाँ नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिला दिया है, लेकिन आपको भरोसा हुआ कि नहीं? देखिए, भरोसा कोई भी प्रधानमंत्री हो जी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या इससे पहले मनमोहन सिंह जी हो, भरोसा दिलाना एक अलग चीज है, उस उन भरोसों पे उन वादों का इम्प्लीमेंटेशन होना एक अलग चीज है। अब मोदी जी ने जो वादे, जो प्रोमिसेस, जो चुनावी जनसभाओं में किए थे, उनका अभी तक कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाया, उसी हिसाब से हमें ये भी देखना है कि वो जो उन्होंने वादे किए हैं और जो अभी मुस्लिम डेलीगेशन जो धर्म गुरुओं का मिलकर आया है, उसमें काफी चीजें डिस्कस हुई मुस्लिम इश्यूज को लेके, अब उन इश्यूज को कितना वो डिलीवर कर पाते हैं उन अपने वादों को, वो हमें देखना होगा। भरोसा देखिए, आप भरोसा तो करना ही होगा, हमारे पास भरोसा करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम काउंटर तो कर नहीं सकते, हम तो यही कहेंगे सिर्फ कि भाई जो वादे किए गए उनको पूरा किया जाए। और दूसरी चीज, सिर्फ मुसलमानों के साथ थोड़ी इस देश के मसाइल जुड़े हुए हैं, हर हिंदुस्तानी अपने अपने मसाइल देख रहा है, हर शख्स देख रहा था कि अच्छे आने वाले, उसके अच्छे दिन कब तक आएंगे, हर शख्स इंतजार कर रहा है, तो मुसलमान भी इंतजार कर रहा है कि जब उसके अच्छे दिन आएंगे तो देखेगा वो। जी, इसके अलावा मौलाना अली हुसैन कुम्मी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इस मुलाकात के क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन उलमा ने मुलाकात की है उनके जाती मफाद वजीर आजम से हो सकते हैं, और मुसलमानों के हित में मैं समझता हूँ अभी तक कोई काम ना हुआ है और ना होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, यही मोदी जी हैं जो गुजरात के अंदर हजारों बेगुना मुसलमानों का खून बहाया गया, और हिंदुस्तान के अंदर जो उनके हुकूमत के अंदर लोग हैं वो मुख्तलिफ तरह के बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा मंदिर बनेगा, कोई कुछ कह रहा है, ऐसे तरह से ना विकास हो सकता है इस देश का और ना नरेंद्र मोदी जी कुछ कर पाएंगे मुसलमानों के लिए। खाली बातें हैं, दिल में कुछ इनके और है और जबान देख के कुछ और है। उलमा से मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे मुसलमानों को मुतमईन करा देंगे, क्योंकि ये सरकारी उलमा, दरबारी उलमा है, जब भी कोई सरकार आती है वो उसको बुलाती है और अपनी बात को रखती है, उसी तरह से हमारे वजीर आजम ने बुलाया है। इनके दिल में कुछ और है और जबान तो कुछ और है। मैं समझता ही हूँ कि मुसलमानों के जब हिंदुस्तान में किसी के जैसे दिन नहीं आए और न कभी आप आएंगे इनके दौरे हुकूमत। यहाँ नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पहल की गई, क्या आप उस पहल का स्वागत करते हैं? धर्म गुरुओं का या उलमाए कराम का खास करके हमेशा से ये तरीका रहा है कि इफाम व तफीम, यानी कि ये लोग एक दूसरे को समझा के अपनी बातें रख के ही मामले, इनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं होता कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज वो बुलंद करेंगे। हम उलमाए कराम जो भी होते हैं वो अपनी बात बेहतरीन तरीके से पोलाइटली किसी भी सरबरा के आगे, किसी भी हुक्मरान के आगे अपनी बात रखते हैं कि हमारी कौम के साथ, हमारे लोगों के साथ ये परेशानियां, ये मसाइल हैं, इन इन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, इनको दूर करने के लिए बराए मेहरबानी आप जो है पॉलिसीज बनाएं या जो भी स्टेप आप ले सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स की प्रोटेक्शंस की बात हो, चाहे रोजगार की, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, आपके या हर फील्ड में जहां जहां भी खान साहब से भी मुसलमान। असद खान साहब, मेरी असद खान साहब, एक चीज है आपके साथ जो हमारे लखनऊ से जो हमारे साथ अली हुसैन साहब जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोदी ने जो ये वादे किए हैं, मोदी ने जो ये बात की, ये विश्वास भरोसा दिलाए, भरोसा करने लायक नहीं है। आप इससे सहमत नहीं है? आपने अभी कहा कि नहीं, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भरोसा करने के लायक। हमारे साथ बिमला बासम जी हैं और विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन दोनों से जवाब जानना चाहेंगे। बिमला बासम जी, सबसे पहले आपसे कि मौलाना अली हुसैन जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं है और उनके हाथ जो है वो रंगे हुए हैं मुसलमानों के खून से, इल्जाम लगाए हैं पुरानी बात पे फिर से दोहरा के, किस तरीके से विश्वास जीत पाएगी बीजेपी? क्या इस तरीके की मुलाकात कर प्रधानमंत्री अगर करते हैं तो विश्वास जीत पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो विश्वास करना बहुत जरूरी है, और हमेशा आप देखिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी, असद साहब आपके पास आएंगे अभी, बिमला बासम जी से हम बीजेपी के नेता हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनके बाद फिर आपके पास भी आएंगे। जी बिमला जी, एक बार भी कभी उनके मुंह से नहीं निकला होगा कि ये अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, हिंदू मुस्लिम, कभी नहीं निकला। वो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास लेकर वो चल रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के जो दंगों की बात उनको होती है, अब कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया, सब तरफ से वो बिल्कुल पाक साफ होकर निकले हैं। अब पुरानी बातों पर अगर हमेशा जाते रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, किसी कौम का विकास कैसे होगा? ज्योति जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं? इनको इनको नहीं, हमें कह लेने जी, फिर ज्योति जी कहेंगे, सुनेंगे इनकी बात को। जब तक आप पुरानी बातों को भूल के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हमेशा ये होता है कि हमने आगे को देखना है, हमने फ्यूचर को देखना है। जो मोदी जी ने कहा है कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, एक कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब कि वो सबका और सबका विकास मतलब क्या, हमें नहीं समझ में आता कि जो लोग गुमराह करते हैं एक खास समुदाय को क्यों करते हैं। देखिए हमारे देश के सभी नागरिक हैं, सबको समान अधिकार हैं, चाहे उसकी बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो उसका रोजगार हो। कभी भेदभाव हमारी पार्टी ने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी या मोदी जी की सरकार एक साल हुआ, लेकिन कोई भेदभाव किसी स्तर पर नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो बताएं कि भेदभाव कहाँ हुआ है। जी लेकिन विमला जी कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे घर वापसी बयान हो, गुजरात दंगे हो, राम मंदिर का मामला हो, ये कुछ ऐसे मामले हैं जो कि मुस्लिम लोग भुलाए नहीं भूल। नहीं देखिए, ये तो अभी आपकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है जी, तो ये तो दोनों तरफ से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोग तो जनता, इतना बड़ा हमारा देश है। आपके कुछ लोग नहीं है, वो आपके एमपीज हैं, वो आपके सांसद हैं। ठीक है, और सांसदों में फर्क होता है मेरे ख्याल से। ज्योति जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ज्योति जी को भी सुन लेते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से मैं बताना चाहता हूं, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी स्टेप या कोई भी एजेंडा वो बिना राजनीति से प्रेरित नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो इनका एजेंडा है बिल्कुल एक हिडन एजेंडा के तहत ये इन्होंने ये कदम उठाया। आप अभी बिहार का इलेक्शन है, इसको नजर में रखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया है। आप ये बात को कैसे कहते हैं कि जब कोई बात हो जाती है, आप कैसे कहते हैं 2002 के दंगे को भूल जाएं? आप कैसे कहते हैं जो आपने, आप अभी इलेक्शन के समय आप अभी आपने बात किया था कि गुलाबी क्रांति को हम खत्म कर देंगे और आपके आते ही 14-16% वो एक्सपोर्ट में बढ़ जाता है। आप उस बात को कैसे भूल जाएंगे जो हमारे मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ था? आप उस बात को कैसे भूल जाएंगे कि भागलपुर में दंगाइयों का अभी तक वही स्थिति नहीं है, उससे भी बुरी स्थिति हो गई है। जब नहीं मुकेश जी मेरी बात सुनिए, जब इन बातों को जो न्याय मिलना था वो कोर्ट से मिल गया है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है, वहां की राज्य सरकार जो है वो जिम्मेदार है। मेरे अब सुने मेरी बात, जब आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बन गए और 125 करोड़ जनता के वो रखवाले हैं, जब आप फिर वो बात आप ना करें, जब वो बात ना करें, आप ये कदम तब उठाते जब हमारे जितने इस दंगा में या जो इस तरह के लोग जो बयान आज भी कर रहे हैं, गिरिराज सिंह ने बोला कि जिनको रहना है पाकिस्तान चले जाए, जिसको गौ मांस खाना है वो पाकिस्तान चले जाए, जब इन बातों पर आप अंकुश कर लेते, आप उन लोगों को अभी विजय शंकर जी के बाद विजय शंकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसमें विजय शंकर जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपकी बात सुन लेते हैं। काफी देर से बैठे हैं ज्योति जी, काफी देर से बात करना चाह रहे हैं विजय शंकर जी। मैं अपनी बात ज्योति जी, आपने सम्माननीय प्रधानमंत्री कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से कांग्रेसियों के मुंह से प्रधानमंत्री के लिए सम्मानित शब्द सुनने के लिए मैं तरस गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर फोर्स है, कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर फोर्स है, इसलिए वो उसी तरह की भाषा उपयोग करता है। ये कोई बहुत सम्मानित नहीं है, कोई भारत फोर्स नहीं है, ये भारत भारत का वो ताकत है जो देश को भारतवाद से लेकर चलता है। आपकी पार्टी वोट देने के लिए चर्चा हम कुछ और कर रहे हैं, सुन लेते हैं विजय शंकर जी को। जी विजय जी, ज्योति जी एक तो ऐसा है कि अब मोदी जी जो हैं बिना तैयारी के प्राइम मिनिस्टर हैं, पास कोई सत्ता भी नहीं रहे, आपके पास भी आएंगे, विजय शंकर जी को बोलने दीजिए। जी विजय जी, आप एक तो ज्योति जी बिना तैयारी के आए हैं, बिना संग्रह के आए हैं, बिना विषय के आए हैं, उनको सुनने सुनने दीजिए ना, आप तो कह रहे हैं उनको बोलने दीजिए, ये बता रहे हैं कि आप बिना तैयारी के आए हैं, उनको बोलने दीजिए ना, आप मुझे बताएं कैसे, आप बता रहे हैं, आप सबके बीच मत बोलिए, अपने बारे में बोलिए, आप उनको बोलने दीजिए, ऐसे बताइए, जवाब दीजिएगा उनको। आपने आप देखो ऐसा देखो, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शानदार प्रशासनिक और शासकीय रिकॉर्ड ये बोलता है, गुजरात में जब वो थे तो कौन कारणों से ये दंगा हुआ था, ये सब आप लोगों की चलाई हुई परिपाटी वहां चल रही थी,
और जो दंगा हुआ उसमें मोदी जी का कहीं नामो निशान नहीं था और कोर्ट ने उनको बरी किया। अगर आप न्यायिक बातों का सम्मान करते हैं तो इस विषय को मान करके और उस सारे विषय को ही छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, गुजरात में उन्होंने जितने वर्ष शासन किया एक भी मुस्लिम वंश के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं हुआ, और उसका ये हुआ कि आज जब वो जीते तो वहाँ का पूरा मुस्लिम समाज मोदी जी को सपोर्ट करता आया, जिसके कारण आज वो प्रधानमंत्री हैं। आज वो मोदी जी देश में ये बात कह रहे हैं कि मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, और वो उनके पहले के दिन से दिखाई पड़ रहा है। पहले के दिन से जो पहले दिखाई नहीं पड़ रहा था, पहले कि जितनी कांग्रेस के शासन आए सारे हिंदुओं के दमनकारी नीतियों को लेकर आती थी, और ये जो अली 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 साहब हमारे लखनऊ से बोल रहे थे कि अब इनसे पता नहीं क्या होगा, ऐसे लोगों का आप लोग पेट भरते थे, ऐसे लोगों का आप प्रश्रय करते थे, ऐसे लोगों को आप पढ़ाते थे, और जिसके कारण अब आए आप अपने असली मुद्दे पर आप आ गए, जो मैं कहना चाह रहा था आप वो उससे असली मुद्दे, यही है, यही है भारतीय जनता पार्टी और अभी संदीप मर्चेंट का असली मुद्दा यही है, तो ये बोल रहे हैं, यही है जो बोल रहे हैं, जो देश और समाज में लोगों को बांटते हैं, बात कर रहे हैं कांग्रेस को बांटने की, आप बांटने की राजनीति करते हैं, वोट हिंदू वोट की राजनीति आप करते हैं, जो मजबूरी आपको होता है इस तरह के लिए प्रधानमंत्री मुसलमानों की टोपी लेने, मौलाना की टोपी लेने से इनकार करते हैं, क्या मजबूरी होती है? आप इसका जवाब दें कि प्रधानमंत्री जी को मौलाना जी का टोपी लेने में क्यों हिम्मत होती है? टोपियां आपको मुबारक हो, टोपियां आपको मुबारक हो, आप इसका जवाब दें कि वो क्यों मना करते हैं? आप इसका जवाब दें, ये काम ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं हुआ, आप बताएं जवाब देने के लिए वो कोई बात नहीं है, वो उनका अपना व्यक्तिगत था, जो भी उन्होंने किया उसमें कोई किसी का दखल नहीं हो सकता, इसलिए वो व्यक्तिगत बात है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो फिर आप ये बात कैसे कहते हैं कि हम जब आप ये कह रहे हैं कि 12 बजे रात क्या टोपी पहनने से खड़े हो जाएंगे? और वैसे नहीं, जो इतने इतने इतनी बड़ी चीजें इतनी बड़ी चीजें वो कह रहे हैं, इतनी बड़ी चीजें हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो आपके समझ में आया नहीं? एक टोपी के लिए आप पीछे पड़े हुए ऐसा होते हैं? मंत्री गिरिराज सिंह ने जब जवाब बयान दिया था, आपने आपके प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया? ज्योति जी प्रधानमंत्री के अच्छे कामों को देखते हैं, जो उन्होंने कहा इस तरीके के बयानों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, इस पे बयान आया था, उसके बाद से बयानों पे रोक लगी, किसी तरीके का बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने बराबर खंडन किया इन बातों का, वो किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी का एजेंडा नहीं था वो, जो हमारे मंत्रियों ने जो भी बोला हो, आप उसके पीछे क्यों हम प्रधानमंत्री जी को वोट कर रहे हैं? जी आपने कहा कि चुनाव बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव को देखते चुनाव इसका कोई संबंध नहीं है, मुझे लगा अगर चुनाव नहीं, आप क्या चाहते हैं कि ना उनको कुछ दिया जाए, उनकी बात ना सुनी जाए? आप क्या चाहते, कांग्रेस क्या चाहती है? मुसलमानों की बात ना सुनी जाए? एक बार सुनिए, उन्हें मेन स्ट्रीम ना किया जाए? मोदी जी जो एक साल में वादे किए थे वही पूरे कर रहे हैं, वही पूरे कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके वोट दिया है, उन वादों को पूरा करें, वही पूरे कर रहे हैं, उन्होंने कोई गुमराह नहीं, जो वादे किए वही पूरे हो रहे हैं। आपने बताया था कि आपने गुलाबी क्रांति की बात की थी, आज 16% बढ़ जाता है, आपके मंत्री एक कहते हैं कि जी अली हुसैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ अभी जी, वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ, हर चीज को चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बिहार का भी इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन मौलाना जी, बिहार का इलेक्शन है, आप मोदी बिहार चुनाव राजनीति का हर छह महीने चुनाव का हर छह महीने किसी न किसी स्टेज पर होंगे, हर की पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए देखना सरकार मोदी की इस मुलाकात को, मेरे ख्याल से ये बहुत छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर चुनाव से जोड़ अगर चुनाव से का कोई स्टेप मोदी जी का कोई स्टेप नहीं, अगर चुनाव से जोड़ना अगर चुनाव से जोड़ना होता अगर चुनाव से जोड़ना होता तो मोदी जी टोपी भी पहन लेते, अगर चुनाव में फायदा उठाना होता तो आप बताइए, जब आप अभी गौ माता हत्या की जब बात हो रही थी, सुनिए नरेंद्र मोदी अली हसन साहब के गृह मंत्री ने कहा कि जब मैं हिंदुस्तान सुपर पावर बनने का देख रहा है होने दूंगा, बनना है आज उनकी सरकार बन गई, 16% बढ़ जाता है, जब तक उसके तमाम शहरी एम्पावर्ड ना हो जाए।
ज्योति जी भाषण जी आप दोनों को रोकना चाहेंगे, आप दोनों को रोकना चाहेंगे हमारे साथ ठीक है ज्योति जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, वो भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी बताइए। हेलो, मैं फरजाना बोल रही हूँ सहारनपुर से। और मोदी जी जो मुसलमानों को चाय पे बुलाया है और उन्होंने कैप नहीं लगाई, तो ये दो तरफ की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले करके दिखाएं, उसके बाद मुसलमानों की सहमति लें, ये ज्यादा अच्छा है उनके लिए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम धर्म गुरुओं की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित दुबे ने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। नकवी जी, मुस्लिम डेलीगेशन ने मोदी जी से मुलाकात की, माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स के अच्छे दिन आ गए, कैसे? देखिए क्या है कि हमारी सरकार देश के 125 करोड़ लोगों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक तरक्की के लिए समर्पित है और हमारा लक्ष्य है कि आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे और विशेष तौर से जो गरीब हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जिन तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, उसमें मुसलमान भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। और अल्पसंख्यकों का जिस तरह से सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं ने बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ कई दशकों तक राजनीतिक शोषण किया, उससे उन तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। विकास की प्रमुख जो प्रगति की मुख्य धारा है, जो प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम है, उससे वो कोसों दूर रहे। इसलिए हमारी कोशिश है कि समाज का हर वर्ग तरक्की की मुख्य धारा में शामिल हो, उसमें अल्पसंख्यक भी है। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं विजय शंकर तिवारी जी। तिवारी जी, आपसे सवाल मेरा ये है, पहल नरेंद्र मोदी की तरफ से कई हुई है, लेकिन ये वाली पहल पहले की पहल से थोड़ी जुदा है, क्योंकि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी का केरल जाने का भी कार्यक्रम है और इसमें केरल में वो केरल की सबसे पुरानी मस्जिद में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अब जो एक स्ट्रेटेजी नरेंद्र मोदी की हो रही है वो पहले से बिल्कुल जुदा है। देखो, ऐसा है कि मोदी जी का एक शानदार रिकॉर्ड इस विषय का रहा है, गुजरात में भी रहा है और भारत में प्रधानमंत्री के बनने से पहले दिन से उनके भाषण में रहा है कि मैं 125 करोड़ लोगों के देश का जो देशवासी हैं उनका मैं प्रधानमंत्री हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री की यही भाषा होनी चाहिए और यही बोलने का और यही काम करने का तरीका होना चाहिए। बिमला पासवान जी, आपसे मैं पूछूंगा, मुसलमानों के अच्छे दिन कैसे आएंगे? आपने बजट में एक पैसा नहीं बढ़ाया, आपने अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग से पॉलिसी नहीं लाई, आप अलग से कुछ करने की बात नहीं, आप मिलकर के एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही थी और आप उस पे आरोप लगा रहे थे, वही चीज आपके प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैं आपको उसका जवाब देती हूँ जी। अगर अलग से कुछ करेंगे तो आप लोग सब कहेंगे तुष्टीकरण कर रहे हैं, जब सबके साथ हैं, जो हिंदुओं को मिलेगा वो मुसलमानों को, वो सिख को, वो ईसाई को, जब सबका समान सब कुछ है। ज्योति जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। ज्योति जी, मैं तो कांग्रेस जाने दो तीन बातें मैं पूछना चाहता हूं हमारे वीएसपी के जो नेता बैठे हैं। जब हम कर रहे थे तो वो तुष्टिकरण का था, वोट का मामला था, ये कह रहे हैं तो सबका विकास का बात हो रहा है, ये दो बातें क्यों? तीसरी बात, महाराष्ट्र में अगर इनको याद होगा और अगर इन्होंने पढ़ा होगा तो महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन मुसलमानों की बात की गई थी, तो इन लोगों ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्या इसका जवाब देंगे ये? अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, और जब आप मिलने और मिलकर इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो आप पहले उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके और उनको ये एहसास दिलाते कि हाँ जी, अब देखो, अब मैं टोपी लूंगा आपसे, अब मैं जो बोलेगा कि मुसलमान जिसको बाहर यहां नहीं रहना है, पाकिस्तान में रहेगा, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं उन लोगों को पनिशमेंट दूंगा, उन लोगों को वापस लाऊंगा, मैं घर वापसी की बात नहीं करूंगा, तो इन सब गौ मांस की बात क्या आपका एजेंडा है, आप इसके बारे में बताएं हमें, आप इन तीन बातों का जवाब दें। ज्योति जी, क्या राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में पहल नहीं की जा सकती? विजय शंकर जी जवाब दीजिए। एक तो जिनकी पार्टी के नेता दाऊद इब्राहिम साहब कहते हों, जिनकी पार्टी के नेता ओसामा बिन लादन को साहब कहते हों, उनसे एक तो देश के 125 करोड़ लोग जो देश के हैं उनके प्रति समान भाव से कोई आदर रखना इनसे अपेक्षा नहीं किया जा सकती है। पिछले सरकार में ज्योति जी को ध्यान में होगा, एक असीमानंद भाई संत
एक जंगल में रहकर वहां के गरीबों के उत्थान में लगे हुए थे, इनके 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 नेतृत्व ने एक निरपराध व्यक्ति को आज तक जेल में बंद कर करके रखवाया हुआ था। ये 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 इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति ये करते हैं। आप कांधार की घटना को ना भूलें, आप कांधार की घटना को ना भूलें, आप कांधार की घटना को ना भूलें। जब आपके मंत्री सूटकेस लेकर और उनको उनके देश में छोड़ने गए थे, आप कांधार की घटना को ना भूलें। जी हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप मुद्दे सब लोग भटक रहे हैं, यहाँ मुद्दा मुसलमानों के विकास का है, हम उस पर फोकस करें, उस पर बात करें। क्या विकास है, क्या एजेंडा है आपके पास? क्या महाराष्ट्र में जो 5% रिजर्वेशन का आपने कटौती किया, आपका ये एजेंडा है? आप बताएं, जवाब दें इसका। मैं उसका जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये 5% का जो कटौती की गई, अगर उनको देते तो वो तुष्टिकरण होता, तब आप जवाब देते कि वो तो इलेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते पूरे देश में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, तो आप वहां कर ले आते कि साहब इन्होंने इसलिए ये 5% कहां कर दी क्योंकि इलेक्शन होने वाले। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मुझे तो मैं एक सवाल इनसे करना चाहती हूँ, अपने माननीय साथी से, कि क्या मोदी जी जो पहल कर रहे हैं वो गलत है, वो नहीं करनी चाहिए? मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या वो गलत कर रहे हैं? और क्या देश में सबका विकास सबका भला नहीं होना चाहिए? हम जातियों में क्यों बांटते हैं? हम क्यों कहते हैं ये हिंदू मुसलमान की बात हम करते क्यों हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री कभी भी इन शब्दों को अपने होठों पर नहीं लाते हैं, वो हमेशा हिंदुस्तानी की बात करते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। क्या ये काफी नहीं है सबको आगे बढ़ाने के लिए? तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करें हम? ये मेरा जवाब है आपको। जी आपने मुझसे भी सवाल किया जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप हिंदू वोट को पोलराइज करने की आपकी राजनीति है। आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का ये कदम गलत है? बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और किसी भी सेक्युलर पार्टी का ये कहना है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जो बोलते हैं, आप राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर आपने वोट लिया, आप राम मंदिर के नाम पर अब क्यों कहते हैं कि मैं मेजोरिटी में नहीं हूँ? आपको क्यों कहना पड़ता है जबकि आप 200 आप जब आप मेजोरिटी में आ गए, आपका क्या एजेंडा है, आपका क्या करना है? आप बताएं कि राम मंदिर के बारे में आपका क्या करना है? आपका नारा ये क्यों होता है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, क्यों होता है आपका ये स्लोगन क्यों होता है? आप इसका जवाब दें। अगर इस तरह आप सबका विकास की बात करती हैं, अगर करती हैं और भारतीय जनता पार्टी करता है, ज्योति जी सुनेंगे आपको अभी। ज्योति जी आपके पास आएंगे, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है, जवाब देना चाहिए, जवाब देंगे, जवाब देंगे भी एक मिनट चाहिए। ठीक है ज्योति जी, ठीक है, बाबरी मस्जिद बनाएंगे उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? ज्योति जी आपके पास आएंगे, विमला बाथम जी आपके पास भी आएंगे। पूर्व सांसद और मुस्लिम विषयों के जानकार शाहिद सिद्दीकी के साथ खास बातचीत की है हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला देवांग। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम नेताओं को चाय पर बुलाया और चाय पर चर्चा की, और चुनाव के बाद ये उनकी चाय पर चर्चा थी। हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा की थी, अब चुनाव के बाद मुस्लिम नेताओं के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देश के सभी लोगों के साथ चर्चा होनी चाहिए, चाय पे हो, चाहे कॉफी पर हो, चाहे शरबत पिए, लेकिन चर्चा बातचीत चलती रहनी चाहिए। और बातचीत जब होती है तो संवाद होता है, तो रास्ते निकलते हैं और देश के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। तो मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है, उनके अलग अलग लोगों से बात करनी चाहिए, स्वागत करते हैं हम इसका। ज्योति जी से एक मेरा सवाल है, ज्योति जी जिस तरह से देखा जाता है कि आप हमेशा से ही मोदी सरकार की छवि मुस्लिम विरोधी प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन अब जिस तरह से उनका पूरा एक साल बीता है, या फिर ये कहा जाए जो विकास की उनकी नीतियां थी, कहीं ना कहीं जो आप छवि बनाने की कोशिश करते थे वो अब टूट रही है, तो क्या इसलिए बौखलाहट है? इसी का दर्द है। कांग्रेस पार्टी और ज्यादा दर्द है। कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी छवि बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी ऐसा ना हो जिम्मेदार है। अगर क्या बन जाए तो क्या कांग्रेस पार्टी ने बोला था गिरिराज सिंह को ये बात बोलने के लिए कि जिनको यहाँ नहीं रहना पाकिस्तान चले जाए? अरे आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप गिरिराज सिंह को कहां ले आते हैं? मोदी जी की बात करिए, जवाब के मोदी जी की बात करिए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री है तो उस पर उनको जवाब देना होगा। लोकसभा की बात है तो उस पर वो चुप क्यों है? क्यों
नहीं जवाब देते बोले उस पर बोले अपने मंत्रियों की बात कर ली है आपसे बताने की जरूरत नहीं उनको सफाई देने की आपको मुझे नहीं बताना है ये आवाम 125 करोड़ जनता आवाम सब जानती है आवाम सब जानती है आवाम में जितनी लोग और मुसलमानों के लिए एक एजेंडा बनाना पड़ेगा उनको रोड मैप बना के देना पड़ेगा केवल बैठ कर चाय पीने से काम नहीं चलेगा वो समय चलेगा जब आपको वोट मिल गए कांग्रेस ने बनाया वो समय चलेगा अब आप सरकार में है और चूंकि बिहार की राजनीति आ गई ठीक है जो एक चीज का जवाब एक चीज का जवाब ज्योति जी आप सुन लीजिए आप सवाल तो सुनिए आप सवाल तो सुनिए ज्योति जी आप सवाल तो सुनिए एक साल मोदी सरकार के एक साल हो गए एक साल के बाद ही से अगर इस तरीके की पहल हो रही है तो आप क्या इसको सही मानते हैं गलत मानते हैं ये तो हम बात करेंगे लेकिन क्या आप मोदी सरकार की इसको उपलब्धि नहीं मानते कि एक साल होने के बाद भी कोई दंगे नहीं हुए एक साल होने के बाद किसी तरह के घोटाले कोई सामने नहीं आए और एक साल के बाद ही सही आप ये कह सकते हैं ये आप कह सकते हैं कि इससे पहले क्या होता चुनाव के पहले जो वो चाय पे चर्चा करते थे तो उसमें ये मुद्दे नहीं होते थे लेकिन अब जो वो चर्चा कर रहे हैं चुनाव के पहले उन्होंने मुस्लिमों से टोपी क्यों नहीं पहनी ये बात तो आप कर सकते लेकिन इस तरीके से अगर प्रधानमंत्री ने एक पहल की है तो इसका सिर्फ इसलिए आप विरोध नहीं कर सकते कि इससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था हमारे साथ असद खान मैं कह रहा हूं अगर ऊपर वाले ने उनको सद्बुद्धि दी है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात आप तारीफ करिए सद्बुद्धि की लेकिन मुसलमानों के लिए केवल मुसलमानों के लिए नहीं इस देश में जो माइनॉरिटीज हैं केवल मुसलमान नहीं है मुसलमानों के अलावा और भी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक रोड मैप इनको बताना चाहिए केवल और जहां तक आप एक साल की बात की है एक साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया बातों के अलावा कोई काम नहीं किया वो काम चाहे वो कर चुके हैं बाथम जी से पूछना चाहेंगे बिमला बाथम जी क्या जिस तरीके से ज्योति सिंह जी कह रहे हैं कि एक हिडन एजेंडा है और ये वोट बैंक की राजनीति है क्या इस बात को सिर्फ वोट बैंक से जोड़ के रखा जाए या एक चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं इस बात में क्या आप इसको ज्योति जी आपसे भी ये सवाल है कि क्या जो खाड़ी देश है जो मुस्लिम कंट्री है जो अपने देश अपने विश्व में वहां पर भारत की छवि अगर इस मुलाकात के बाद से बनती है क्योंकि प्रधानमंत्री केवल आप देश में नहीं उनको विदेश भी जाना पड़ता है वहां भारत की छवि को रखना पड़ता है वो भारत का एक नेता भारत के का प्रतिनिधित्व करता है एक जो प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है तो क्या इस मुलाकात से विदेश में अपनी छवि नहीं बनेगी अच्छी क्या आप इसको राजनीति से ऊपर नहीं मानते इस बात को बिल्कुल बदलेगी तब जब आप सही में उनके बारे में कुछ करने के लिए कोई रोड मैप बनाते हैं केवल बातों से नहीं जो एक साल जो अभी 365 दिन बीते हैं वो केवल बातों में रह गए और कोई भी सड़क पर रोड पर कोई चीज दिख नहीं रही है तो ये बिल्कुल बदलेगी देश का तो बदलेगा लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इमेज बदलेगा जिसके कारण से कि उनको वीजा नहीं मिलता था आज प्रधानमंत्री बनने के बाद जो वीजा मिला मेरा कहने का मतलब वो वीजा से नहीं है कहने का मतलब ये है कि इनका एक इमेज दूसरे तरह का था तो अगर इस तरह का वो कदम उठाते हैं तो बदलेगा लेकिन वो तब बदलेगा जब उन लोगों के लिए दिल अंदर में सही में सोचते हैं RSS के लोग और जितने इस तरह के फासिस्ट फोर्स अगर सोचते हैं उनके लिए कुछ करने का तो जरूर बदलेगा की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें परहेज क्या है इस वक्त मोदी जी के पास और खास करके श्रेया जी खासकर बीजेपी के पास और मोदी जी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जी ये हिंदुस्तानियों को मैसेज देने के लिए कि देखिए मोदी सरकार जो आई आज बीजेपी की जो सरकार आई ये एक जनरल परसेप्शन है कि विदाउट मुस्लिम सपोर्ट के बनी सरकार जी लेकिन अब मोदी जी के पास और बीजेपी के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो हिंदुस्तान के खासकर मुसलमानों को ये मैसेज देते कि जो एक धारणा बनी हुई है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात करती है मुसलमानों को अवॉइड करती है उनके इग्नोर करती है उनके इश्यूज पे बात नहीं करती तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मोदी जी के पास और खासकर बीजेपी के पास कि ये अपनी धारणा तब्दील करे और मुसलमानों के अंदर खास करके अपनी इमेज बेहतर करे कि हम एक सेकुलर पार्टी के तौर पर हैं और हम तमाम हिंदुस्तानियों के बारे में सोचते हैं लेकिन एक चीज आप गौर करिए कि मोदी जी ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है उस कैबिनेट के अंदर दो मुस्लिम मंत्री बनाए उन्होंने और दोनों के दोनों माइनॉरिटी अफेयर्स के यानी कि मुसलमानों का नेशनल अफेयर्स से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास समय की कमी है कोई मुस्लिम सांसद जीत के नहीं आए थे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप देश को
जी बिल्कुल असद खान साहब, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट चाहेंगे। कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस बात का लेना। विजय शंकर जी हमारे साथ हैं, आखिरी कमेंट चाहेंगे। विजय शंकर जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पूरे डिस्कशन के बाद? इसके अंदर मुसलमान मंत्री, ठीक है असद खान साहब, हम देखो मुझे मुझे ये चीज बिल्कुल असद खान साहब सुन ले, विजय शंकर जी से बात ले लेते हैं आखिरी कमेंट। इसको हमें जी 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 बीजेपी को भी सोचना चाहिए और मोदी गवर्नमेंट। मुझे लगता है असद खान साहब शायद इसी बात को लेकर के मोदी जी इस मुलाकात को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। विजय शंकर जी, विजय शंकर जी से मुझे तो एक समाधान है, मुझे तो एक समाधान है कि इसके पहले हिंदुओं को छोड़कर के उनके हितों की बात की जाती थी, लेकिन मोदी जी ने जब 125 करोड़ के हितों की बात की है तो मुझे लगा कि अब आर्य और द्रविण के जो सिद्धांत बदले जाते थे पिछली सरकारों में और जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई जाती थी पिछली सरकारों में, इतिहास बदले जाते थे, भारतीय महापुरुषों को अपमानित किया जाता था, वो परंपरा बंद होगी। ज्योति जी, ज्योति जी, लेकिन मेरे नजर में ये कदम 100% 100% एक हिडन एजेंडा के तहत राजनीतिक पहल है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर वो सही में अगर इनके बारे में सोचते हैं तो उनके लिए रोड मैप बनाए और कांग्रेस जो इनको विचार और जो बातें करते रहे उन बातों को अमल करें जो पूरे सब समाज को लेकर चलने के उस रास्ते पर ये चलें तो ठीक है। वक्त हमें इजाजत नहीं देता, एक लास्ट कमेंट असद खान साहब से लेना चाहूंगा। असद जी, विमला बाथम जी, अच्छा होता उसको आप लोग रोक सकते दीजिए। असद जी, ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने ये जो कदम उठाया है ये काबिले सताइश है, इसकी हमें सराहना करनी चाहिए, इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, लेकिन इस कदम के साथ साथ कुछ इसका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि आई विल रिस्पॉन्ड एट 12, अगर 12 बजे भी मुझे बुलाया जाएगा तो मैं आज, लेकिन उनका उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की, उसकी एम्प्लॉयमेंट की, उसके चाहे रोजगार की, हर तरीके से उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि सबका विकास 12 बजे बुलाने की जरूरत नहीं करे, देश में ऐसा माहौल हो कि 12 बजे रात में प्रधानमंत्री को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। कम्युनिटी को डिप्राइव करके महरूम रख के आप तरक्की नहीं कर सकते, ये हमें सोचना चाहिए और हमें मिलजुल के, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ माइनॉरिटी देश के अंदर परेशान है, दूसरे लोग भी देखिए, तफरीक करने का, डिवीजन करने का पैमाना सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी होनी चाहिए, ना कि कोई कास्ट होनी चाहिए, ना कोई रिलीजन होना चाहिए, ना कोई रीजन के हिसाब से, लिंग्विस्टिक भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ अमीरी और गरीबी की बुनियाद पर क्राइटेरिया होना चाहिए, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो स्पेशल कंसेशन या किसी को डिस्टिंक्शन की बात हो, तो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी की बुनियाद पे होना चाहिए, इस बुनियाद पे नहीं कि वो फला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी छवि बदलने की, वो छवि जो कि मुस्लिम विरोधी मानी जाती थी, आज उस छवि का क्या असर हो रहा है ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर भविष्य के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर इस छवि में सुधार आएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश वंदे मातरम में फिलहाल के लिए इतना ही, और हम अपने मेहमानों का भी शुक्रिया करना चाहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे साथ ज्योति सिंह जी जुड़े, कांग्रेस नेता, उनका भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे, विमला बाथम जी विधायक बीजेपी, और साथ ही साथ विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता थे, मौलाना इंडिया गेट मस्जिद के असद खान जी, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे मौलाना अली हुसैन कुम्मी, और साथ ही साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगी आपसे और आपको छोड़े जाती हूं पब्लिक पंच के साथ। दिग्विजय सिंह के अचानक सीने में दर्द होने लगा। उन्होंने पास बैठी अपनी पत्नी से कहा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फोन मिलाओ। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। इस पर दिग्विजय सिंह बोले, अब रहने दो, थोड़ा ठीक लग रहा है, सोचता हूँ शाम को खुद ही डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। एक बार शेर खां को मुगलों ने पकड़ लिया और उसे अकबर के पास ले गए। अकबर ने कहा, इसको बंदी बना दिया जाए। शेर खां ने अकबर से रहम की भीख मांगते हुए कहा, नहीं नहीं जहांपनाह, रहम करो, मुझे बंदा ही रहने दो।
कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर वन वाटर प्यूरिफायर और कैंट आरओ को मिले हैं दुनिया के सर्वोच्च प्रमाण पत्र कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी असली विनर वो होता है